हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीआई के 699 वाले पोस्टपेड प्लान का कंप्लीट रिव्यू। आप यकीन मानिए, आपको ऐसा रिव्यू जो है आज से पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा। पूरी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस जो है प्रूफ के साथ जो है फ्रेंड्स मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी का ये दावा है कि आपको इसके 699 वाले प्लान के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग जो है देखने को मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कॉलिंग जो है अनलिमिटेड कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चाहे प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स वोडाफोन है तो कुछ ना कुछ तो गिमिक खेलेगा ही। तो यहाँ पे एक गिमिक है। गिमिक क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है कहीं पे एक घंटा कॉल किया, एक घंटे में शुरू के 55 मिनट तो आपने वॉइस कॉल किया और लास्ट के 5 मिनट आप फोन के डिफॉल्ट डायलर से स्विच कर लेते हैं वीडियो कॉल पे। तब ऐसे में आपको ₹3 प्रति मिनट के हिसाब से जो है चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिमिक ये है, आपको ₹3 प्रति मिनट के हिसाब से तो चार्ज करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको जो है 5 मिनट वीडियो कॉल का काउंट नहीं करेगा, वो काउंट करेगा पूरे 60 मिनट यानी पूरा एक घंटा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है आपके बिल में ऐड होके आएगा, जैसे कि मेरे बिल में ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं ₹159 कॉलिंग चार्जेस के नाम पे ऐड करके कंपनी ने भेजे हैं, ठीक है। मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने वही बात बताई जो मैंने अभी आपको बताई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डेटा की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स डेटा तो यहाँ पे अनलिमिटेड है, वाकई में कोई दिक्कत नहीं है डेटा का। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि 500 GB के बाद या 1000 GB के बाद स्पीड कम हो जाती है। 2000 GB का कोटा जो है आपको अलॉट करती है कंपनी, वाकई में कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा 2000 GB एक महीने में। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो इस्तेमाल कर लेगा, उसको उस कंडीशन को भी तो ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई ऐसा है कि कोई इस्तेमाल कर लेगा 2000 GB, तब क्या होगा। 2000 GB जैसे खत्म होगा तो उसके बाद दोबारा से 2000 GB का कोटा दोबारा से कंपनी अलॉट कर देती है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं स्पीड कम होती है, वो नहीं है। स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स भी आप सब यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिएगा, आपको स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स भी जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। स्पीड भी काफी सही रहती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पोस्टपेड में स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है, प्रीपेड में कम देखने को मिलती है। ऐसा कितना आपको जो है सच्चाई है इस बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पोस्टपेड यूजर्स को आप ये मान सकते हैं कि 10-12% जो है थोड़ी हाई प्रायोरिटी पे जो है रखा जाता है प्रीपेड यूजर्स के मुकाबले, जो एक सच्चाई है। भली चाहे कंपनी इस बात को बोले ना बोले, लेकिन ऐसा जो है मैंने खुद फील किया है। पोस्टपेड में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपने फ़ोन में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या होता है मेरे को स्पीड थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मेरे फादर के पास वीआई का प्रीपेड सिम है, तो वहाँ पे मेरे को 6 MBPS से लेके 10 MBPS के बीच में स्पीड देखने को मिलती है। कभी कभी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन मैक्सिमम इतनी ही रहती है, ठीक है। लेकिन पोस्टपेड में आपको 20 MBPS से ऊपर ही जो है मैक्सिमम टाइम पे देखने को मिलेगा। और बाकी एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी स्पीड आ रही है। तो वो जो है एक एरिया टू एरिया जो है लोकेशन वाइज भी मैटर करता है कि उस एरिया में आपको कितनी स्पीड मिल रही है। तो ये था कंप्लीट, ये जो आई थिंक आप सभी का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा डेटा के रिगार्डिंग। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसके साथ आपको अदर सर्विसेज क्या क्या देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 1499 का Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सच बात है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 1 मार्च 2022 को Amazon Prime को आपने क्लेम किया, ठीक है, क्लेम हो गया। अब 1 मार्च 2023 को जो है फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा और वो आपके बिल में ऐड होके आएगा। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिलिंग में ऐड होके ना आए, तो टाइम से पहले खुद मैनुअली आपको कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो अपने फोन में एक रिमाइंडर सेट कर दीजिएगा जो कि आप सभी को याद रहेगा, नहीं तो आपको बिल जो है बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगली चीज में क्या है। तो नेक्स्ट चीज आपको इसमें, आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ईयरली सब्सक्रिप्शन फ्री देखने को मिलता है, 499 वाला मोबाइल एडिशन, जो कि फ्रेंड्स एकदम फ्री है। आपको ऐड वगैरह थोड़े से बहुत देखने को मिलते हैं और ये ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे एक फायदा देखने को मिल जाता है। तीसरा फायदा ये है फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर आप सभी हंगामा म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं तो 6 मंथ्स का हंगामा म्यूजिक भी आपको फ्री देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात है। और बाकी वोडाफोन मूवीज का जो देखने को मिलता है इस प्लान के साथ, वो तो है ही, आपको तो लाइफ टाइम फ्री रहेगा जब तक आप इस प्लान को इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल बंद कर देंगे तो हो सकता है कि उसका जो है चार्जेस ले, लेकिन अभी फिलहाल में इस प्लान के साथ जो है लाइफ टाइम फ्री है। अब बात करते हैं कि इसके साथ जैसे मान लीजिए आपका बिल आएगा, तब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, 699 वाले प्लान के साथ आपको जो है
₹824 18% जीएसटी के साथ जो है देना पड़ता है, ₹825 आप मान लो, ठीक है, ₹825 आपको 18% जीएसटी के साथ देना पड़ता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप इस प्लान को इशू कराएंगे तो आपको ₹83.90 का समथिंग जो है एक चार्ज लगता है, जो कि फर्स्ट टाइम पे करना पड़ता है। आप स्क्रीन में यहाँ पे आप बिल भी देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको फर्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा, जो कि आपको बिल में ऐड होके आएगा। सेकेंडरी चीज, अब ये चीज मान के चलते हैं कि हमें जो है इस प्लान को कैसे बाय करना है, कितनी सिक्योरिटी जाएगी वो भी बता देता हूँ कंप्लीट डिटेल। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्राइमरी नंबर है, उसको आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं पोस्टपेड के 699 वाले प्लान में वीआई के, तो आप इजीली करा सकते हैं। आपको ₹1 का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है, आप सीधा जाइए नंबर पोर्ट कराइए, आपको सिम मिल जाएगा। सिम जब आ जाएगा आपके पास, जब नेटवर्क भाग जाएंगे पहले वाले के, तो वीआई का सिम जो है आप डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कि यहाँ पे जो है आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जाते हैं वीआई स्टोर में और वहां पे आप उन्हीं का कोई नंबर लेते हैं, तब ऐसे केस में आपको जो है ₹300 सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जिसमें से ₹100 जो है फर्स्ट बिल में से जो है माइनस हो जाता है और बाकी 200 जो है एज अ सिक्योरिटी के रूप में जो है कंपनी के पास रहता है। जब आप जो है कनेक्शन बंद कर देंगे तब वो आपको जो है रिफंड हो जाता है चेक के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे एक ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको जितने हिडन टर्म्स एंड कंडीशन थी वो बता दिया। अब थोड़ा आपको जो है एक बोनस टिप भी दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पे चॉइस का कोई नंबर लेना चाहते हैं, जैसे लास्ट में 333, 444, ठीक है, इस टाइप के अगर आप नंबर लेना चाहते हैं, या 9900, ऐसे अगर कोई सीरीज का कोई लकी नंबर लेना चाहते हैं, 500, 1000, 1200 तक का जो नंबर है, ₹1150 तक का नंबर, ये नंबर जो है फ्रेंड्स अगर आप पोस्टपेड प्लान लेते हैं तो कंपनी आपको पोस्टपेड प्लान के साथ फ्री में दे देती है। आप वीआई की ऐप में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप वीआई की वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे प्रीमियम नंबर्स की लिस्ट होती है, वहाँ पे कुछ ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000, ₹1150 ऐसे ऐसे उनका रेट होता है। ₹1150 तक के नंबर जो है आप फ्री में ले सकते हैं, अगर पोस्टपेड प्लान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको ये नंबर जो है फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, 1150 से ऊपर के जितने नंबर है, मान लो कोई नंबर 2000 का है या 5000 का, तो आपको चार्ज लगेगा। नहीं तो ऐसे में वो बोलते हैं कि 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन लीजिए, जो भी है वो आपको जो है, जो भी बात थी मैंने आपको बता दी, कंपनी के साथ आप कैसे हैंडल करते हैं। नहीं तो ₹1150 तक का नंबर जो है आप सभी को फ्री तो जरूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट डिटेल रिव्यू 699 वाले प्लान के साथ, क्योंकि मेरे को लगा कि आप सभी को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने जो है ये कंप्लीट रिव्यू जो है सिर्फ आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। आज से पहले ऐसा वीडियो जो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपने नहीं देखा होगा यूट्यूब पे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर इश्यू है तो प्लीज नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। अगर आप सभी को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।